इससे पहले कि वो समझ पाता कि तीर किसने चलाया, देवराज ने देखा कि उनका वह सलाहकार एकलव्य नदी की तेज धार को चीरते हुए उनके पास ही पहुंच चुका था। इसका मतलब उसने जो तीर चलाया था वो नदी के दूसरी तरफ से चलाया गया था। इतनी दूर से चला गया तीर और वो भी सही निशाने पर लगा था, जो सचमुच हैरान कर देने वाली बात थी। बहरहाल देवराज की जान बच चुकी थी और वो मगरमच्छ मारा जा चुका था। लेकिन इससे पहले कि देवराज अपनी जान बचाने वाले एकलव्य का शुक्रिया अदा कर पाते, दूसरा मगरमच्छ उनकी तरफ लपक गया। पलक झपकते ही उसने देवराज के बाएं पैर पर घात लगाकर हमला कर दिया। देवराज को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। दर्द और घबराहट के मारे वो जोर से चिल्लाया। अगर वो जरा सी भी हरकत करते तो उनकी टांग मगरमच्छ का निवाला बन चुकी होती। एकलव्य, एकलव्य बचाओ, जल्दी कुछ करो, बचाओ, देवराज ने चीखते हुए कहा। लेकिन एक बार फिर देवराज के लिए एकलव्य किसी फरिश्ते से कम नहीं निकला। बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए वो किसी शिकारी चीते के समान उस मगरमच्छ पर लपक गया। उसने पलक झपकते ही अपनी कमर में बंधे हुए बड़े से खंजर को बाहर निकाला और मगरमच्छ पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। मगरमच्छ के तीखे और नुकीले दांतों वाले जबड़े के अंदर देवराज का जो पैर था वो मगरमच्छ को खंजर लगते ही उसका मुंह खुलने की वजह से बाहर निकल गया। देवराज दर्द से कहराने लगा। उन्होंने अपनी धोती का कपड़ा फाड़ा और कसकर अपने पैर पर पट्टी बांध ली। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह एकलव्य का शुक्रिया कैसे अदा करे, और तभी एकलव्य ने उन्हें सहारा देकर उठाया। अरे युवराज, आपको तो गहरा जख्म हो गया, ये कहते हुए उसने अपने कुर्ते को फाड़कर युवराज देवराज के जख्म पर एक और पट्टी बांधी। अपनी जान बचाने वाले एकलव्य को देवराज ने गले से लगा लिया। वो तो लगभग उम्मीद ही खो बैठा था। उस मगरमच्छ के अचानक किए गए हमले के बाद तो उनके हाथ पैर और दिमाग सब चलने बंद पड़ गए थे। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है उसका भार मैं अपने जीवन भर नहीं उतार पाऊंगा। तुम हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहते हो। तुम सिर्फ मेरे सलाहकार नहीं, मेरे प्रिय मित्र भी हो। आज तुमने वीरान गढ़ के युवराज की जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये उपकार हमेशा याद रखूंगा और तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा, देवराज ने एकलव्य को गले लगाते हुए कहा। मेरे लिए आपके काम आने से बढ़कर और कोई पारितोषिक नहीं हो सकता, एकलव्य ने कहा। हालांकि पहले मगरमच्छ को मारते हुए तो एकलव्य ने दूर से निशाना लगाया था, लेकिन दूसरे मगरमच्छ पर तो उसने बिल्कुल करीब से हमला किया था। उस वक्त कुछ भी हो सकता था, वो मगरमच्छ एकलव्य की भी जान ले सकता था। मतलब अपनी जान की परवाह न करते हुए उसने युवराज की जान बचाई थी। यह सचमुच अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उसके इस कारनामे ने युवराज देवराज को हमेशा के लिए एकलव्य का ऋणी बना दिया था। एकलव्य ने देवराज से कहा, युवराज आप परेशान न हो, मैं आपके साथ हूं। मैं आपकी दुविधा को जानता हूं। मैं युवरानी की बताई गई पहेली को बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूं। आप बस यहीं पर बैठकर मेरे वापस लौटकर आने की प्रतीक्षा कीजिए। वो बहुमूल्य रत्न मैं ढूंढ कर ला सकता हूं। आप भरोसा रखिए और सावधानी के साथ अपना ख्याल रखिए। लेकिन तुम उस रत्न को पहचानोगे कैसे? क्या तुम्हें पता है कि वो रत्न कौन सा है और कहां मिलेगा? देवराज ने हैरान होते हुए पूछा। जी युवराज, बिल्कुल भी फिक्र ना करें। दरअसल युवरानी को बरगद के पेड़ के नीचे बने टीले से एक नागमणि की तलाश है। शायद उन्होंने भी औरों की तरह सुन रखा है कि नदी के उस पार बरगद के पेड़ के नीचे वाले टीले के सांप के पास नागमणि है। हालांकि मैं खुद भी इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है वहां जरूर कुछ ना कुछ होगा। और अगर इस बात में सच्चाई है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, एकलव्य ने युवराज को भरोसा दिलाते हुए कहा। देवराज के पास एकलव्य की बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। देवराज से कहते हुए एकलव्य दोबारा से नदी में कूद पड़ा। नदी के उस तेज धार को चीरते हुए वह आगे उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। इधर युवराज देवराज के पैरों में अभी भी बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से नदी को पार कर रहे एकलव्य की तरफ था। कुछ ही पलों में एकलव्य ने उस नदी को तैरकर पार कर लिया और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया।
ये बात सच है। इस प्रदेश का कोई इंसान भी नहीं जानता था कि क्या सचमुच उस टीले में जो सांप था वो मणिधारी था, लेकिन उसे कोशिश तो करनी ही थी। इससे पहले कि सूरज सिर पर चढ़ने लगता, उन दोनों को गुप्त रास्ते से ही राजमहल में वापस लौट जाना था। लेकिन वो गुप्त रास्ता राजमहल के कुछ खास लोगों को पता था, तो क्या युवराज उसी रास्ते से एकलव्य को भी अंदर ले जाने वाले थे? जैसे ही वो उस टीले के पास पहुंचा, एक खतरनाक भूरे रंग का बड़ा सा सांप उस टीले के ऊपर आकर बैठ गया था। वो सांप अपना फन फैलाकर जीव बार बार बाहर निकाल रहा था। उस सांप का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एकलव्य के तरफ था। वो रहकर फुफकारता और फिर अपना फन जमीन पर पटकता। ऐसा करके शायद वह एकलव्य को अपने पास आने से रोकना चाह रहा था। वो उसे डरा रहा था। अब लगभग शाम के 6:30 बज चुके थे। कुछ ही देर में महाराज के संदेशवाहक युवराज और युवरानी को पूजा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए आने वाले थे। यह देखने वाली बात थी कि क्या वक्त रहते युवराज महल में वापस लौट पाएंगे। जब एकलव्य उस नाग को वहां से भगाकर नागमणि हासिल करने की कोशिश कर ही रहा था, तभी टापू पर बैठे देवराज को एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि नदी के गांव की तरफ वाले किनारे पर एक लाल साड़ी में सजी धजी औरत अपने हाथों में दिया जलाकर नदी की तरफ ही बढ़ रही थी। यह हैरान कर देने वाली बात थी कि वहां इतनी तेज हवा चल रही थी, फिर भी उस औरत के हाथों का दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा था। बुझने की बात तो दूर थी, उस दिए की लौ और भी ऊपर ऊपर उठते हुए दिखाई दे रही थी। एक पल में वो औरत कहीं और दिखाई देती तो दूसरे ही पल में वो गायब होकर कहीं और दिखाई दे रही थी। देवराज अपनी आंखें मुसलकर दोबारा उस तरफ देखने लगे। कहीं उन्हें कोई भ्रम तो नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाए थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नींद के कारण ये हो रहा था? क्योंकि उस किनारे से युवराज की दूरी थोड़ी ज्यादा थी, इसीलिए वो साफ साफ उस औरत का चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके कपड़ों का रंग बिल्कुल सुर्ख लाल दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद हवा का झोंका आया और उस औरत के सिर पर रखा हुआ साड़ी का घूंघट उड़ गया। अब जो हुआ उसे देखकर डर के मारे देवराज जिस पत्थर पर बैठे हुए थे उससे भी घबराहट और हड़बड़ाहट की वजह से धड़ाम से नीचे गिर गए। उस औरत का सिर दिखाई नहीं दे रहा था। डर के मारे युवराज पसीना पसीना होने लगे। थोड़ी ही देर बाद उस औरत ने उछलकर छलांग लगाई और वो उस उफनती हुई नदी में कूद पड़ी। अगले ही पल वो नदी की तेज धार में कहीं गायब हो गई। ये जो कुछ हुआ था बिल्कुल अनहोनी की तरह था। क्या कोई औरत जो थोड़ी देर पहले अपने हाथों में दिया जलाकर आई थी इतनी तेज वेग से बहती हुई नदी में छलांग लगा सकती थी? शायद वो कोई औरत थी ही नहीं। जैसे ही देवराज ने अपने आप से ये बात कही, उनके दिल की धड़कन और भी ज्यादा बढ़ गई। उस वक्त जब नदी का किनारा बिल्कुल सुनसान था, तो इतनी सुबह वो औरत सज धज कर वहां पर क्यों आई थी? उसे देखकर तो लग रहा था कि ये एक आत्महत्या थी, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर वो अपने हाथों में दिया जलाकर क्यों आई थी, और देवराज को उसका सिर और चेहरा क्यों नहीं दिखाई दिया था? वो कोई बुरी आत्मा भी हो सकती थी। उधर एकलव्य ने उस सांप का ध्यान भटकाने के लिए अपने कुर्ते के जेब से एक रुमाल निकाला और उसे हिलाने लगा। रुमाल के साथ साथ सांप की नजरें भी घूम रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो सांप जहरीला था, लेकिन एकलव्य की शायद जोखिम उठाने की आदत हो गई थी। उसने बड़ी चालाकी से उस जहरीले नाक का ध्यान भटकाया और उसके सिर से उसे पकड़ लिया। बस अगले ही पल उसने उस सांप को दूर झाड़ियों में फेंक दिया। अब उसे उस टीले को तोड़ना था। जब उसने ये देख लिया कि उस नाग के पास तो ऐसी कोई मणि नहीं थी, तो फिर वो मणि उस टीले के अंदर ही हो सकती थी। यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। जैसे ही उसने उस टीले को तोड़ना शुरू किया, तो उसमें से छोटे बड़े बहुत से सांप निकलने लगे। एक सांप से मुकाबला करना आसान था, लेकिन इतने सारे सांपों का मुकाबला इतनी जल्दी कैसे किया जा सकता था? उसे वहां से कुछ दूर के लिए दूर भागना पड़ा।
एकलव्य सिर्फ तीर कमान चलाने और पहेलियां सुलझाने में ही माहिर नहीं था, बल्कि उसके पास लगभग हर परेशानी का तोड़ था। वो ये अच्छी तरह जानता था कि सांपों को अपने से दूर कैसे रखा जा सकता है। वहीं पास की झाड़ियों में लगा उसे एक ऐसा पौधा दिखाई दिया जिसकी खुशबू से ही सांप दूर भाग जाते हैं। उसने बिल्कुल देर नहीं की और उस पौधे की बहुत सी छोटी छोटी टहनियां तोड़ कर ले आया। दूर से उसने उस टीले पर वे टहनियां फेंक दी। देखते ही देखते वे सभी सांप और सपोले इधर उधर भागने लगे और फिर ऐसे गायब हो गए जैसे उस टीले में कभी कोई सांप था ही नहीं। अब वो फटाफट दोबारा से आगे बढ़ा और उसने वहां से एक मजबूत और मोटा डंडा लिया और उसकी मदद से उस टीले को तोड़ने लगा। जब टीला टूट गया तो उसने उसे अच्छी तरह से खंगाला। टीले के अंदर की तरफ गिरी हुई मिट्टी को उसने निकाल कर बाहर फेंका। तब उसे दिखाई दिया वो जगमगाता हुआ मणि। पहले तो उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि उसे वो मणि अपने पास रख लेनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसने अपना इरादा बदल दिया। एकलव्य अपनी नजरों में खोट नहीं आने देना चाहता था। उसे पता था कि उसे क्या करना था और वो वही किए जा रहा था। उसने जैसे ही उस मणि को उठाया, उसे अपने अंदर अजीब सी शक्ति का संचार होते हुए महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून दोगुनी तेजी से दौड़ने लगा था। शायद यह उस मणि की वजह से ही हुआ था। वो शक्तिशाली मणि था। उसने उस मणि को अपनी पोटली में रखकर अच्छी तरह से अपनी धोती में भी बांध लिया। थोड़ी ही देर में वो युवराज के पास वो मणि लेकर पहुंच गया। दूसरी तरफ राजमहल में महाराज और महारानी नहा धोकर पूजन कक्ष में पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वहां पर एक और अपशकुन हो गया। तो क्या था वो अपशकुन? क्या एकलव्य देवराज को वो मणि दे देगा? क्या नागमणि को हासिल करने के बाद एकलव्य जीवित रह पाएगा या उसे सांप तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे? क्या देवराज वक्त रहते राजमहल में वापस लौट पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।